हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कई बार काफी देर तक एक ही जगह पर बैठे बैठे या फिर पलौती मारकर बैठे रहने पर आपने भी नोटिस किया होगा कि हाथ पैर जो है अचानक से सुन्न हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसी स्थिति जरूर आती होगी और आपको ऐसा जरूर महसूस होता होगा कि जैसे हाथ या फिर पैर में बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं है, बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, नंबलेस फील होने लग जाती है, या फिर हाथ पैरों में ऐसा महसूस होता है कि छोटी छोटी चींटियां आपके हाथ पैरों में रेंग रही हो। तो दोस्तों, ये समस्या आमतौर पर सभी के साथ होती है और हम लोग इस समस्या को बहुत ही ज्यादा सामान्य समझते हैं और इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो समस्या होती है, अगर बहुत अधिक दिनों तक आपको चलती रहे, यानी कि लगातार 2-3 महीने तक अगर आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न करने वाला होता है और आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी घेरने वाली होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके भी हाथ पैर बहुत देर तक सुन्न रहते हैं या काफी दिनों तक सुन्न चल रहे हैं, तो आप इस दौरान सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी की ओर संकेत करता है। क्या वो बीमारियां हो सकती हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो स्थिति होती है, ये कब सामान्य होती है। जब आप एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे हों और आपके हाथ या फिर पैर में से कोई भी अंग दब रहा हो, तो उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उस जगह पर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रही होती है और ये उस अंग में नस दबने की वजह से होता है, जिससे कि हाथ या फिर पैर सुन्न हो सकते हैं और आपके पैरों में झंझनाहट भी आपको महसूस हो सकती है। थोड़ी देर बाद अगर आप अपने हाथ पैरों को हिलाते डुलाते हैं या फिर मालिश करते हैं, तो इस तरीके से सुन्नपन को खत्म किया जा सकता है। ये तो है सामान्य स्थिति कि कब जो है ये स्थिति सामान्य होती है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इससे आपको कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इसमें सबसे पहली बीमारी है डायबिटीज की। अगर आपके हाथ पैर बार बार सुन्न होते हैं, 30% मामलों में डायबिटीज इसकी अहम वजह होती है, जिस वजह से बार बार हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। हो सकता है कि आप मधुमेह जैसी बीमारी की ओर बढ़ रहे हों। लेकिन दोस्तों, कई बार होता क्या है कि आपके शरीर के दो अंग एक साथ भी सुन्न पड़ सकते हैं, यानी कि आपके दोनों हाथ या फिर दोनों पैर सुन्न पड़ जाते हैं, तो ये शरीर में कुछ खास विटामिन की कमी से होता है। तो इस तरीके की नंबनेस होने का जो कारण होता है, वो होता है विटामिन B12 की कमी होना। कई बार रीढ़ की हड्डी में खराबी आने से या फिर शरीर की कोई नस दब जाने से और इस तरीके से लंबे समय तक नस दबे रहने से सर्वाइकल या फिर बैक पेन का खतरा बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में हाथ या फिर पैर बार बार सुन्न होने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, थायराइड का बढ़ना, यानी कि शरीर में जो थायराइड होता है उसकी मात्रा यदि अनियंत्रित हो जाती है, यानी कि घटने या फिर बढ़ने लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं। और थायराइड की मात्रा अनियंत्रित होने पर शरीर में काफी थकान महसूस होने लगती है, वजन घटने या फिर बढ़ने लगता है और बाल झड़ने लगते हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके के कुछ संकेत ने शरीर पर दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। हाथ पैर का बार बार सुन्न हो जाना गैंग्रीन जैसी एक जानलेवा बीमारी का भी संकेत हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को, यानी कि हाथ पैर के सुन्न होने को, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, तो आप इस दौरान अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए और डॉक्टर को जो भी उचित लगता है, जो भी टेस्ट करवाने होंगे, वो जरूर करवाइए, ताकि आपको आगे चलकर किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल वन इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।